हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। हम एक थ्योरी को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। देखिए एस्टेट के अंदर तो हर साल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एचपीएससी पीजीटी के सिलेबस में भी ये टॉपिक है, तो उन्होंने तो अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं है तो पहली बार ले रहे हैं। एस्टेट के जितने क्वेश्चन पूछे गए वो डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर तीनों एग्जाम के अंदर टीजीटी पीजीटी पीआरटी के अंदर पूछे गए। बाइलिंगुअल पूरा सेशन रहने वाला है। इस थ्योरी से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका वो गलत नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी है ये वीडियो देखने के बाद। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं, बस आप सुन भी लोगे तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले थ्योरी का नाम जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी या जैव पारिस्थितिकी मॉडल, दिया किसने था? यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने दिया था, ठीक है, 1779 के अंदर है और रसिया के ये थे, रूस के, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको जानो कि इन्होंने क्या कहा कि चाइल्ड का इन्वायरमेंट, बच्चे को क्या इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट करता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, भाई कैसे इफेक्ट करता है उसके आसपास का माहौल, उसके डेवलपमेंट में फैक्टर एक बहुत इन्वायरमेंट जो वातावरण है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेजर रोल। अब देखो इन्होंने कुछ सिस्टम बताए, ठीक है, उन सिस्टम को जानना है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। बाइलिंगुअल आपको मैं जो बताऊं, बस ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बाइलिंगुअल पूरा हिंदी में एक एक चीज बताने वाला हूं मैं, उसको जानने से पहले इनके नाम जान लो। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये कोई बच्चा है, इस बच्चे के बिल्कुल आसपास में कौन है, उनको इसने बोला माइक्रो सिस्टम। क्या बोला? माइक्रो सिस्टम मतलब बिल्कुल सूक्ष्म तंत्र। क्या बोला? सूक्ष्म तंत्र। हिंदी वाले देख लेना, पहला माइक्रो सिस्टम जिसको सूक्ष्म तंत्र लिखा हुआ मिल सकता है, दूसरा मिजो है, आज तक क्वेश्चन में आपको मिजो ही लिखा हुआ मिला है। क्या लिखा हुआ? पहले तो इनका नाम ही जान लो आप, माइक्रो मिजो एक्जो, एक्जो को एक्जो ही लिखा मिलेगा। अब इनमें क्या मतलब होगा वो भी आप समझोगे, पहले इनका नाम तो जानो। मैक्रो जिसको बृहत तंत्र लिखा हुआ मिलता है आपको हिंदी के अंदर, और क्रोनो का मतलब होता है कि समय तंत्र, बस आपको ये याद रखना है। क्रोनो वालों को बोलते हैं समय, सूक्ष्म माइक्रो मिजो, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, जो पहला है सूक्ष्म तंत्र, इसको जानो, जो सूक्ष्म तंत्र है उसका मतलब है कि माइक्रो, और माइक्रो के अंदर ये कहते हैं कि बच्चे के बिल्कुल उसका परिवार आएगा। आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो अभी मैं अपने क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये बोल दिया कि जैव पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर नियम और कानून किसका उदाहरण है। अब इनमें से आपको ऐसे उदाहरण बताने होंगे कि ये कौन से सिस्टम के अंदर आता है, या आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे यहां फैमिली और स्कूल किस कौन से के अंदर आते हैं, तो इनमें से आपको बताना है। तो अभी ध्यान से देख लेना, मैंने क्वेश्चन आपको पहले बता दिया है कि भाई कैसे आएंगे, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी फास्ट लग रही हो दोस्तों तो थोड़ा सा आप यूट्यूब पे आपके पास फीचर आप स्लो करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एचपीएससी वालों का टाइम कम है, ठीक है, एस्टेट वालों को तो अभी टाइम है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो मिस कर दे जल्दबाजी में, मिस कोई चीज नहीं करेंगे। तो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया ताकि आप इस स्लाइड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए आपके लिए, ठीक है। अब देखो पहला जो माइक्रो सिस्टम है, बिल्कुल बच्चे के जो क्लोज है, बिल्कुल पास कौन है? फैमिली, पीयर, सिब्लिंग्स, उसके दोस्त, टीचर, ये सारे इस सिस्टम में आएंगे। बोल दिया जाए कौन आएगा? परिवार आएगा, उसके दोस्त आ जाएंगे, टीचर आ जाएंगे, ठीक है, अध्यापक, परिवार, उसके जो चचेरे भाई है, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे। वो किस में आएंगे? परिवार में। अब देखो ये पहला तंत्र बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और ये छोटा होता है उसके आसपास, जैसा इनके बीच में मतलब बच्चे के साथ ये इंटरेक्ट करेंगे, बच्चे को जैसा सिखाएंगे वैसा ही बच्चे का क्या होगा? विकास और ग्रोथ होगा। इतनी बात याद रखनी आपको। मिजो सिस्टम जो आता है दूसरे नंबर पर, मिजो। अब मिजो में क्या होगा? जो पहले के अंदर थे, जो माइक्रो के अंदर थे, जैसे परिवार हो गया, मान लो परिवार का स्कूल के टीचर के साथ कैसा रिलेशन है, अगर टीचर और जो घर के सदस्य हैं उनके बीच में अगर बॉन्डिंग बढ़िया है तो बच्चा का जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो बढ़िया होगा, उसका माइंडसेट या मेंटली मानसिक विकास हम बोलेंगे बढ़िया होगा। अरे बस समझे, मतलब उनके जो चचेरे हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं, उनके साथ और उनके माता पिता के संबंध बढ़िया है, मतलब अच्छे से आन जान बढ़िया, उनके घर पे आते हैं जाते हैं, तो उससे बच्चे का जो है मतलब मानसिक और स्वास्थ्य तौर पे उसका मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं डेवलपमेंट अच्छा ही होगा, उसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा होता है, पहले दूसरे वाले में क्या बताया गया, इट कनेक्ट्स टू रिलेशनशिप्स, संबंधों के बारे में बताता है, सच इंटरेक्शन बिटवीन वंस फैमिली एंड टीचर, जैसे परिवार और टीचर का हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन बच्चे के जो दोस्त है उनका और टीचर उसके माता पिता के साथ, बच्चे का दोस्त घर पे आ रहा है और उसके माता पिता उसके साथ बिल्कुल ही मतलब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि ये क्यों आ गया घर पे, तो उससे बच्चे को नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मेरे ख्याल में दोनों बातें समझ आ गई होगी, पहले में कौन कौन आएगा, दूसरे में कौन आएगा। दूसरे वाला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आपसे पूछा जाएगा रिलेशन किस किस के बीच में, आपको बोल दिया जाए टीचर और परिवार के बीच में संबंध है वो किस सिस्टम में आएगा, तो वो मिजो में आएगा। अब एक्जो, एक्जो का मतलब बाहर, एक्जो का मतलब बाहर, आउट, ओ आउट, एक्जो बाहर, ठीक है, केमिस्ट्री वाले तो ऐसे समझते हो ना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, बाहर हीट निकलती है, ठीक है, ऐसे सोच लो। ओ एक्स, ओ एक्स तो समझते हो, इसको खोल दोगे तो क्या करेगा, भागेगा ये बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ, बाहर याद रखना है। अब इसके एक्जो सिस्टम में बच्चे खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता,
पर बच्चे को वो चीजें इफेक्ट करती है, जैसे बच्चे का पेरेंट्स है, कहां काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस, बच्चे का पिता मान लो किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा बच्चे को। कैसे, मान लो बच्चे का आज बर्थडे है, बच्चे ने पापा को कहा कि मेरे को लेके जाना है जी, आज पार्टी, शाम को पार्टी करेंगे, बाहर लेके जाना घुमाने, और बॉस है कि मतलब लेट छुट्टी कर रहे हैं कि छुट्टी नहीं दे रहे, भाई कल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, आज तो लेट नाइट तक काम कंप्लीट करके जाना है, तो इससे बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और बॉस अगर बढ़िया है, मान लो प्रमोशन दे रहा है, बहुत अच्छा, पिताजी की हर छठे महीने प्रमोशन हो रही है, ठीक है, तो उससे बच्चे का मतलब जो है क्या कहेंगे, मतलब उसका मानसिक संतुलन, या मैं बोल सकता हूं ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इधर से अगर पॉजिटिव वाइब्स आएगी तो बच्चे में अच्छा होगा, और नेगेटिव आएगी तो कम होगा। तो मतलब ओवरऑल क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, बच्चे का, जो पेरेंट्स जहां काम कर रहे हैं। दूसरा, स्कूल का बोर्ड कैसा है, आप मान लो किस बोर्ड से हो पढ़ रहे हो, वो बोर्ड कैसा है, मतलब वो आपको करिकुलम एक्टिविटीज ज्यादा करवा रहे हैं, कम करवा रहे हैं, आपका पेपर का लेवल कैसा है, तो ये सारी चीजें, या आपका मास मीडिया हो गया जो हम अभी टीवी वगैरह में देखते हैं, अगर ये आपको अच्छी चीजें बताएंगे तो अच्छी, और नेगेटिव बताएंगे तो नेगेटिव। तो आपको क्या याद रखना है, एक्सो के अंदर है बाहर वाली चीजें, जिसमें बच्चा डायरेक्टली इनरोल तो नहीं होता, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो नहीं होते बच्चे के, पर इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। मैक्रो के अंदर क्या होता है कि कल्चर, आपके सांस्कृतिक, आप जिस देश में रह रहे हो, मैक्रो जिस देश में आप रह रहे हो वो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित है या विकासशील है, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, आपके वहां रूल कैसे हैं सोसाइटी के अंदर है, रूल आपके या लॉ बोल सकते हैं, कानून कैसे हैं, ठीक है, ये किसके अंदर आएंगे, सोशल कंडीशन आपकी कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, ये माइक्रो के अंदर आएंगे। और क्रोनो का मतलब होता है समय तंत्र, क्रोनो वाला समय तंत्र है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये होता है कि किसी के लाइफ में कोई ऐसी घटना घट जाए, इसका एक क्लासिकल एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जैसे किसी के माता पिता का डाइवोर्स हो गया, उससे बच्चे की लाइफ में काफी फर्क पड़ जाता है, मतलब बहुत मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है उससे, तो ये एक समय के साथ जो तंत्र है क्रोनिकली रेफर्स टू चेंज और ट्रांजिशन हैपन ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम मतलब मान लो स्टार्टिंग में उनका जैसे डाइवोर्स हुआ, तो उससे बच्चे को काफी इंपैक्ट पड़ा उसके मानसिक स्थिति में कि दोनों अलग हो गए, तो भाई सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा एक वो हो जाता है ट्रांजिशन, एक चेंज हो जाता है आपके लाइफ में। मान लो आप छोटे हो, साथ में रह रहे हो माता पिता के, और फिर माता पिता के बीच में लड़ाई और वो दोनों अलग हो गए, तो उससे आप पूरा आपका लाइफ मतलब ऐसा हो जाता है कि मेंटली डिस्टर्ब आप रहने लग जाते हो, तो ये आता है समय तंत्र के अंदर। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे पीजीटी 2022 के अंदर पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रॉनफ्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम, कौन सा नहीं है। देखो, हमने पहले माइक्रो सिस्टम देखा था, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो ताकि सारे आपको याद हो जाए, माइक्रो, मिजो, एक्सो और फिर मैक्रो। मैक्रो सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट है और माइक्रो पहला है। माइक्रो मिजो, माइक्रो मिजो एक्सो, ठीक है, एम आई एम ई एक्सो, ठीक है। तो अपने को सिंपल सा याद रख लिया होगा आपने, याद कर लेना, नहीं किया तो माइक्रो आएगा, मैक्रो भी आएगा, मिजो भी आएगा, माइनर नहीं आएगा, माइनर नहीं आएगा। मेरे ख्याल में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था स्टेजेस से। अगला पूछा पीआरटी 2022 में आपसे बोला कि रूल और लॉ और मॉडल ये किस में आएंगे। अब देखो, अभी तुमने देखा था माइक्रो वाले में तो सिर्फ क्या थे, बच्चे के माता पिता और वो थे, ठीक है। मिजो वाले में उनके बीच में इंटरेक्शंस थी, जो इसके अंदर आए थे जैसे फैमिली एंड टीचर के बीच में रिलेशन, या बच्चे के जो पेरेंट्स है, फ्रेंड्स थे और उनके घर वालों के बीच में। और क्रोनो वाले में क्या आता था, वो डाइवोर्स वाला। तो आएगा कौन है, बृहत अंतर है, बाहर वाला, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लॉ, रूल, मॉडल, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपका कैसा है, ये किसके अंदर आ जाएगा, तीसरे के अंदर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात, आगे बढ़े। टीजीटी 2022 के अंदर पूछा गया फैमिली और स्कूल आर द एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम इन ब्रॉनफ्रेन बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। जैव पारिस्थितिकी ब्रॉनफ्रेनर का जो सिद्धांत है उसमें परिवार और विद्यालय किस में आते हैं, तो परिवार और विद्यालय दोनों पहले में आते हैं। पहला कौन सा था, माइक्रो, पहला कौन सा था, माइक्रो सिस्टम। तो तीनों पेपर के अंदर एक एक क्वेश्चन पूछा गया 2022 के एग्जाम में। अगला देखिए, पीजीटी 2018 के अंदर पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर हो सके तो कर देना जी। थ्योरी ऑफ ब्रॉनफ्रेनर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मैक्रो सिस्टम। अब देखो, मैक्रो से कौन सा नहीं है, मैक्रो के अंदर कौन नहीं आता, बृहत तंत्र जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बृहत क्षेत्र। अब मैक्रो में क्या था, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा जिसमें लो था, स्टेटस था, ठीक है, तो वैल्यूज, मूल्य, रीति रिवाज और लॉज, ये सारे तो थे, पर स्कूल नहीं था। स्कूल किसमें था, विद्यालय तो पहले में आ गया, टीचर्स आ गए, स्कूल आ गया,
ये किसके अंदर है, माइक्रो के अंदर। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखो, फैमिली और स्कूल किसके है, एग्जाम्पल है माइक्रो के, तो यहां आपका क्या आंसर हो जाएगा, विद्यालय राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों किसके अंदर आगे, अपने बृहत तंत्र के अंदर। नोट पूछा गया था आपसे, ठीक है नोट। अगला क्वेश्चन देखिए, टीजीटी 2019 के अंदर पूछा गया कि लो कस्टम्स आर एग्जाम्पल ऑफ द सोशल इकोलॉजिकल मॉडल, किसके अंदर आएंगे। तो अभी हमने देखा लो किसके अंदर आता है, कस्टम्स किसके अंदर आता है, तो ये आता है अपना जो मैक्रो के अंदर, मैक्रो तंत्र के अंदर। नियम रीति रिवाज बालक के किसके अंदर आते हैं, मैक्रो के अंदर। पीआरटी 2020 के अंदर फिर से पूछा गया, ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर इकोलॉजिकल मॉडल, पेरेंट्स सिबलिंग्स ऑफ द टीचर आर एग्जाम्पल, माता पिता और उसके बहन भाई किसके अंदर आते हैं। आप क्या कहोगे सर, बहन भाई और माता पिता माइक्रो के अंदर आते हैं। अब ये स्लाइड एक बार दोबारा देख लो दोस्तों, मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता देता हूं कौन कौन क्या है, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे यहां एक्सटेंडेड फैमिली बोला हुआ है, देखो एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में कौन आता है, जैसे वर्क प्लेस के अलावा एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स में जैसे आपके नाना नानी हो गए, ठीक है, दादा दादी मान लो दूर रह रहे हैं वो हो गए, समझ गए होंगे इतने से भी कि एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है कि विस्तार फैमिली, मतलब आपके परिवार जैसे जनरेशन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ठीक है। आप उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं हो, अभी आप मान लो सारा दिन उनके पास तो नहीं रहते, नाना नानी के पास तो नहीं रहते, अपने माँ बाप के पास रहते हो, वो कहीं और रह रहे हैं, पर उनके वहां कुछ हो रहा है तो वो आपको इफेक्ट कर रहा है, तो ये किसके अंदर आता है, एक्सो के अंदर आता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस थ्योरी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका जरूर अटेम्प्ट होगा, फिर भी आपको लगता है कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट। इस बार एसटेट पार और एचपीएससी पीजीटी वालों के लिए बहुत बहुत मतलब उनके लिए शुभकामनाएं, बधाई, उनका एग्जाम हो रहा है काफी लंबे टाइम के बाद, तो अपना बेस्ट करके आना। धन्यवाद आप सभी का।